9.3 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें साइन ट्रांसफॉर्मेशन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन एंड कोसाइन इनवर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू 2/π 0 to ∞ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन px dp। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका फंक्शन गिवन है, p का। सिमिलरली हमें कोसाइन इनवर्जन फॉर्मूला गिवन है। अब हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, पी रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस ए पी। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें ये फंक्शन मिल जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा 0 to ∞ पी एन ई माइनस ए पी ई माइनस आइटा पी एक्स डी पी है। अब इसमें क्या कर रखा है कि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये तो हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 to ∞ पी रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस पी ए प्लस आइटा एक्स डी पी। अब इसको हमने क्या पुट कर दिया, इसको हम पुट कर देंगे लैम्डा, और यहाँ पे जो एन है इसमें एन में एक प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकें। तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to ∞ ई माइनस के एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन टी एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की पावर क्या है, एन माइनस वन है। यहाँ पे हम पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर तो हमारी क्या होनी चाहिए, कुछ एन प्लस वन माइनस वन, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस ऐड किया है और माइनस किया है। और रीज्ड ई रेज टू द पावर क्या है, माइनस पी, यहाँ पे क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस के एक्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू गामा एन डिवाइड बाय एक्स रेज के रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पे देखो हमारा एन क्या है, एन प्लस वन, तो क्या जाएगा आएगा, गामा एन प्लस वन। यहाँ पे लैम्डा की पावर क्या है, यहाँ पे के क्या है हमारा, और यहाँ पे पावर क्या है, एन माइनस वन, तो क्या आ रही है, के रेज टू द पावर एन। यहाँ पे लैम्डा की जो पावर है वो क्या आएगी, एन प्लस वन आएगी। अब हमें करना क्या है, हमारा लैम्डा क्या है, ए प्लस आइटा एक्स है। तो यहाँ पे हम ए को पुट कर देंगे आर कोस थीटा और एक्स को पुट कर देंगे हम आर साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और गामा की जो पावर है वो क्या गिवन हमें यहाँ पे, एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या आ गया, गामा एन प्लस वन ए प्लस आइटा एक्स। यहाँ पे किया आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आर रेज टू द पावर एन प्लस वन कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम ई आइटा एन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कोस एन थीटा प्लस में आइटा साइन एन थीटा भी हम लिख सकते हैं। हम ये फॉर्मूले का इसमें यूज करेंगे और ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, लैम्डा एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, आर रेज टू द पावर एन प्लस वन ई आइटा थीटा एन प्लस वन। अब ये जो वैल्यू हमारी आई है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें गिवन क्या है, 0 to ∞ पी एन ई रेज टू द पावर माइनस ए पी ई आइटा पी एक्स डी पी, एन फैक्टोरियल आर एन प्लस वन, ये हो गया। इस पावर को एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है इसको हम ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ई माइनस आइटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा माइनस में आइटा साइन थीटा। जो कोस होता है वो हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, और जो साइन होता है हमारा क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 0 to ∞ दोनों साइड। अब हम ओपन कर देंगे इसको, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा होता है ये e माइनस आइटा थीटा कोस थीटा माइनस में आइटा साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या, यहाँ पे क्या है, पी रेज टू द पावर एक्स, तो हमारा क्या बनेगा, कोस पी एक्स माइनस में साइन पी एक्स डी पी। सेम
यहाँ पे भी हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर प्लस वन कोस एन प्लस थीटा माइनस में माइनस आइटा साइन एन प्लस थीटा। अब हमें करना क्या है कि देखो यहाँ पे हमें गिवन है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी गिवन है तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमें साइन ट्रांसफॉर्मेशन साइन इन्वर्जन फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें एफ एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको इक्वेट कर देंगे, जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ई रेज टू द पावर माइनस ए पी, ये इमेजिनरी है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सेम यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा जीरो टू इन्फिनिटी पी रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस ए पी साइन पी एक्स डी पी इक्वल टू एन फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ पे क्या है साइन एन प्लस थीटा। अब ये है कि ये कहाँ से आया, देखो ए प्लस आइटा आइटा एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी आर ई आइटा थीटा, अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ आर कोस थीटा, ए को हमने क्या माना है आर कोस थीटा, और हमने एक्स को क्या माना है आर साइन थीटा, आर दोनों में से कॉमन ले लिया, और ये ई आइटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, ये पुट कर दिया। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसमें अगर मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस में आइटा स्क्वेयर, एक तरीके से हम मोड फाइंड आउट करते हैं और मोड निकालते हैं ई आइटा थीटा का, वो होता है हमारा वन, क्योंकि यहाँ पे जो ये आर है एक तरीके से हमारा रेडियस होता है और रेडियस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर एन प्लस वन करेंगे तो क्या हुआ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर एन प्लस वन बाई टू, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे आर रेज टू द पावर की जगह पुट कर दी तो ये हमें मिल गया हमारा एफ एक्स। सिमिलरली जब हम रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा।